हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो कि कल परसों ही मैंने एक शपथ पत्र बनवाए थे डीएलएड के लिए, और वो सर नहीं बोले थे कि आपको यहाँ कॉलेज में सबमिट करना होगा, और वही उसी के में हम लोग को हमको जो 3:30 बजे के आसपास हमको घर से निकलना पड़ा, और घर से निकले 1:30 बजे, वहाँ से फिर आए मुरलीगंज से ट्रेन पकड़ के फिर सहरसा पहुँचते ही पूरा यहाँ पे रात में बर्फ जम के बारिश हुई है, और वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि बारिश इतना हो रही थी कि मत पूछो, मोबाइल हवा भी इतना पूरा चल रही थी, और इसी दरमियान में भी किसी को डॉक्यूमेंट भी सबमिट देना था वो भी दिए, और उसके चलते भी कोई वीडियो नहीं बना पाए। अभी देखिए सहरसा जंक्शन पे हैं अभी हैं, और देखिए कितना अच्छा नज़ारा भी देखने को मिल रहा है अभी सुबह सुबह ही, और बारिश जो भी है उसके चलते भी और अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए आप लोग कितना देख सकते हैं चारों तरफ का, ये भी ट्रेन लगी हुई है तो सुपौल जाती है, यहाँ से टिकट कटा लिए हैं, फिर जाएंगे मुरलीगंज से फिर घर जाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं सुबह सुबह नज़ारा कितना ही अच्छा है, खूबसूरत जिसको कहा नहीं जा सकता है। ये देखिए सुबह सुबह देखिए बाबा सभी पूरा ब्रश कर रहे हैं, ये देखिए, और पीछे कैमरा का दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए कितना अच्छा है। सुबह सुबह नाश्ता ये क्या करते ब्रश कर रहे हैं, अपना नहा धो रहे हैं, जो कि लोग घर में भी है जो बाबा से हैं वो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए